वहीं केजरीवाल को अब सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद है। केजरीवाल की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। पिछली सुनवाई में सीबीआई ने जवाब देने के लिए एक हफ्ते का वक्त मांगा था। केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती दी है। ईडी केस में केजरीवाल को पहले ही जमानत मिल चुकी है। सीबीआई केस में केजरीवाल को आज राहत की उम्मीद है। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता दें कि आज केजरीवाल के लिए अहम दिन है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत को लेकर सुनवाई होनी है और इस समाज में क्या कुछ कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये देखना अहम होगा। ईडी मामले में पहले ही राहत मिल चुकी है अरविंद केजरीवाल को और ईडी को फटकार भी लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और अब सीबीआई वाले मामले में क्या किसी तरह की कोई राहत केजरीवाल को मिलती है आज, ये देखने वाली बात होगी। और आज जब सुनवाई होती है तो क्या कुछ कहा जाता है सीबीआई की तरफ से अपनी बात को पुख्ता करने के लिए, ये देखना अहम होगा। क्योंकि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा था और सीबीआई ने एक हफ्ते का वक्त मांगा था इस मामले में जवाब देने के लिए, और अब ये वक्त पूरा हो रहा है आज, और आज ये सुनवाई होगी। तो देखना होगा कि सीबीआई की तरफ से क्या कुछ इस दौरान कहा जाता है अपनी बात रखने के लिए। तो केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में, और पिछली सुनवाई के बाद सीबीआई ने वक्त मांगा था एक हफ्ते का, और वो वक्त आज पूरा हो रहा है, उसी के चलते आज ये सुनवाई होनी है। अब सुप्रीम कोर्ट से क्या अरविंद केजरीवाल को आज राहत मिलती है, ये देखने वाली बात होगी।